भी नहीं है ना। स्वागत महोदय, भारतीय राजदूतावास के राजदूत महोदय का स्वागत त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संजीता वर्मा जी की तरफ से। बहुत धन्यवाद। हमारे प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, आप लोग सब आज हमारे बीच आए विश्व हिंदी दिवस को मनाने में आप सबका भारतीय राजदूतावास और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग की तरफ से आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए, हम इसके लिए आपके बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। मुझे पता है कि आपको 20-25 मिनट में यहां से प्रज्ञा प्रतिष्ठान जाना है, जहां बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। इसलिए और ज्यादा समय ना देता हुआ मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संदेश है विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर, और मैं उसको पढ़ता हूं, उसके बाद मैं शायद 2-3 शब्द आप लोगों के लिए कहूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश विश्व हिंदी दिवस 2019 के अवसर पर। प्रत्येक देश के लिए अपनी भाषाओं का प्रचार प्रसार बहुत महत्वपूर्ण है। आज वैश्वीकरण के इस दौर में हिंदी भाषा विश्व भर में अपनी अस्मिता बना चुकी है। यह गौरव की बात है कि विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर जागरूकता बढ़ाने और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से विदेश मंत्रालय तथा विदेश सभी भारतीय राजदूतावासों द्वारा 10 जनवरी का दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगस्त 2018 में भारत सरकार द्वारा मॉरिशस सरकार के सहयोग से मॉरिशस में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। मुझे आशा की नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे सतत प्रयासों से हिंदी विश्व भर में ठोस पहचान के साथ निसंदेह अपना स्थान बनाएगी। समसामयिक समाज की प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने और हिंदी के अधिकतर प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सभी हिंदी प्रेमियों को मिलकर प्रयास करना होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी हिंदी प्रेमियों को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई और नव वर्ष की शुभकामनाएं। जय हिंद। नरेंद्र मोदी, नई दिल्ली, दिसंबर 11, 2018। माननीय मंत्री जी, माननीय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पीएडीटी के मेंबर सेक्रेटरी जी, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी और अन्य संस्थाओं के यहाँ पर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं एक बार दोबारा इस बात को यहाँ पर रिकग्नाइज करना चाह रहा हूँ कि आप सब लोग अपने यहाँ नेपाल में और इसके द्वारा विश्व में हिंदी का प्रचलन, हिंदी को आगे इवॉल्व करने के लिए और हिंदी को विश्व भाषा बनाने के लिए अपने पूरे तरफ से अपना योगदान करते हैं, और उसके लिए मैं भारत का रहने का राजदूत और हिंदी बोलने वाला, मैं अपनी तरफ से तो आपका आभार प्रकट करता हूं, मैं भारत के सब लोगों की तरफ से भी आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। यहां पर नेपाल में हिंदी का स्तर नेचुरली, जैसे लोग कहेंगे, बहुत ऊंचे लेवल पर है, हमारे ही लेवल पर है, उससे भी आगे। आप लोग कहीं अध्ययन करते हैं, कहीं और चीजें लिखते हैं, आपके लेख लिखते हैं,
मुझे बड़ी खुशी है कि आज के प्रोग्राम में हम लोग एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो कविताएं हैं कुछ उनका यहाँ पर हम लोग कुछ करेंगे उनके बारे में, और दूसरा माननीय नेपाल के इतने बड़े कवि और लेखक भानु बक्ता जी की जो कविताएं हैं उनकी भी यहाँ पर कुछ अनुवाद हुए हिंदी में वो भी होंगे। साथ साथ कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम है, कई लोग हैं, मुझे किसी ने बताया कि वो मोहम्मद रफी का गाना गाना चाह रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है, आपका बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सरस्वती जी हैं जो गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव भजंती गाती हैं, वो इतनी प्यारे तरीके से गाती हैं जिसको नरेंद्र मोदी जी ने खुद विश्व में ट्वीट किया है और आगे हम लोग उसकी किताब और सीडी वगैरह निकाल रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब हिंदी में जुटे रहिए, उसको आगे ले जाइए, और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जय नेपाल, जय भारत नेपाल मित्रता, और जय हिंदी। धन्यवाद धन्यवाद श्रीमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस आयोजन में भारतीय राजदूतावास के साथ त्रिभुवन विश्वविद्यालय का केंद्रीय हिंदी विभाग भी जुड़ा हुआ है, जो आज इस अवसर पर अपनी वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय तथा माननीय राजदूत महोदय के साथ त्रिभुवन विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग अध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संजीता वर्मा जी से अनुरोध करता हूँ। दबाएं जी, सेंटर बटन। आज के इस खास मौके पर बीपी कोइराला इंडिया नेपाल फाउंडेशन की तरफ से हिंदी से नेपाल हिंदी में नेपाली के आदिकवि भानुभक्त आचार्य की कविताएं प्रस्तुत की जा रही हैं। भानुभक्त की कविताएं शीर्षक से हम जिस पुस्तक का लोकार्पण आज यहां करने जा रहे हैं उसका अनुवाद किया है नेपाली हिंदी के यशस्वी साहित्यकार और अनुवादक श्री गोपाल जिन्हें जिन्हें मैं आगे बुलाना चाहूँगा अतिथियों के साथ। इसके साथ ही मैं आगे बुलाना चाहूँगा मंच की तरफ पुस्तक के प्रकाशन की पूरी जिम्मेदारी उठाने वाले और पूरी चुनौतियां झेलने वाले बीपीकेएफ के सेक्रेटरी आदरणीय श्री अभिषेक दुबे सर को, जिनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से यह पुस्तक आज आपके सामने है। सर, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित राजदूत महोदय, और हमारे बीपीकेएफ के सेक्रेटरी श्री अभिषेक दुबे सर, आप आगे आएंगे। सर, अनुरोध है। भारतीय राजदूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी प्रेस इंफॉर्मेशन कल्चर श्री अभिषेक दुबे सर ने इस पुस्तक के प्रकाशन की परियोजना को साकार किया है, हम बहुत धन्यवाद करते हैं सबका। भानुभक्त की कविताएं जो आपके समक्ष नेपाली से हिंदी में अनुवाद, पुस्तक के विमोचन के साक्षी बने, जिनकी कविताओं के हिंदी अनुवाद की पुस्तक के यहाँ विमोचन हुआ। अब मैं आपके समक्ष एक ऐसे वरिष्ठ और सम्मानित साहित्यकार की चर्चा करना चाहता हूँ जिन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 51 कविताओं का हिंदी से नेपाली में अनुवाद किया है, और वे आज यहाँ हमारे बीच में हैं। सम्मानित श्री श्रीदत्त ढका जी, मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आए मंच की तरफ और हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय और सम्मानित राजदूत महोदय श्रीदत्त ढका जी का खादा प्रदान करके उनका सम्मान किया जाए किया जाएगा। ये कविताएं वाजपेयी जी की 51 कविताएं बहुत प्रसिद्ध पुस्तक, उन कविताओं का ये अनुवाद है नेपाली में, और विमोचन के इस मौके पर आज का ये मौका कुछ खास ही है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापन कार्य से जुड़े साहित्यकार श्री विनोद कुमार विश्वकर्मा जी की पुस्तक है विश्व हिंदी यात्रा, जिसका लोकार्पण करने के लिए मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय तथा माननीय राजदूत महोदय से एक बार फिर अनुरोध करता हूँ। महोदय, एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि हमारे श्री विनोद कुमार विश्वकर्मा जी सामने आ जाए, उनकी पुस्तक का लोकार्पण है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से जुड़े हुए श्री विनोद कुमार विश्वकर्मा जी, उनकी पुस्तक
श्री विश्वकर्मा ने 10वें और 11वें के शिल्पी सम्मेलन में भागीदारी की और अपने अनुभवों को इस पुस्तक के रूप में साकार किया है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय तथा माननीय राजदूत महोदय से अनुरोध करता हूँ कि श्री विश्वकर्मा जी को खादा प्रदान कर उनका सम्मान करने का अनुरोध करें। अनुरोध है। और विमोचन का यह क्रम समाप्त हुआ। अब मैं अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि अपना आसन ग्रहण कर लें एक बार फिर। और साथियों, जैसा कि माननीय